नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। जैसे कि पिछले वीडियोस में आप हमारे उत्तराखंड का यात्रा देखे हैं, हम पहले नैनीताल गए फिर मुक्तेश्वर आए, तो सफर में ये हमारा पांचवा दिन है। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तराखंड प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये प्रदेश भारत का सबसे सुंदर प्रदेश है। यहाँ ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ों तो वहीं कई धार्मिक स्थल भी है। यहाँ के धार्मिक स्थलों में ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री आदि धार्मिक जगहों के साथ ही कुछ ऐसे प्राकृतिक स्थान हैं जहाँ जाकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। दोस्तों, नैनीताल जिले में करीब 550 हेक्टेयर इलाके में लगभग 2000 मीट्रिक टन एप्पल का उत्पादन होता रहा है। यहाँ पहले भी रॉयल डिलेसियस, रायमर, फैनी और अन्य पारंपरिक किस्मों के एप्पल की पैदावार हुआ करती थी। अब यहाँ किंग रॉट, गाला, स्कारलेट, ग्रीन स्मिथ आदि आधुनिक किस्मों की एप्पल भी तैयार हो रही है। और आज हम आपको मुक्तेश्वर के एप्पल के बागानों में लेके चलेंगे। देखा जाए तो उत्तराखंड में सेब की खेती मुख्य रूप से बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में की जाती है। कुमाऊं क्षेत्र में, जहां तक गढ़वाल मंडल का सवाल है, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी और देहरादून में भारी मात्रा में सेब उगाए जाते हैं। हर्षिल जो कि उत्तरकाशी में है, तो वहां के सेब की काफी मांग है। हिमाचल प्रदेश ने सेब उत्पादन को बढ़ावा देकर तरक्की की एक नायाब मिसाल दी है। लेकिन हिमाचल के समान परिस्थितियों वाले उत्तराखंड के सेब के सामने अपना खुद का पहचान बनाने का संकट आज भी बना हुआ है। राज्य गठन के 21 साल बाद भी यहां का सेब हिमाचल एप्पल के नाम से बाजार में बिक रहा है। इससे समझा जा सकता है कि आर्थिक स्थिरता को मद्देनजर रखकर राज्य इस फसल को लेकर कितना गंभीर है। शीतोष्ण फलों की मुख्य फसल होने के बावजूद सेब के मामले में सुविधाओं का अभाव ही किसानों की असुविधाओं के मुख्य कारण है। तुड़ाई के बाद सेब को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए सीएसटो जैसी सुविधाएं पर्वतीय क्षेत्र में ना के बराबर है। ऊपर से बागानों से रास्ता तक सामान लाने ले जाने का समस्या और प्राकृतिक आपदाएं जैसे सिंचाई की कमी के वजह से फलों में कीड़े लगना, पहाड़ी तोते के वजह से फलों का नुकसान होना आम सी बात है। इस दृष्टि से हिमाचल को देखें तो वहां 4 सरकारी और निजी क्षेत्र के 28 सीएसटो हैं। इनमें फलों को स्टोरेज करके वहां के किसान बेहतर दाम मिलने पर सेब निकालते हैं। उत्तराखंड में मात्र उत्तरकाशी जिले में ही सरकारी सीएसटो है। इसके साथ ही सेब उत्पादक क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन रोपवे का भी भारी अभाव है। और ऐसी बात नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस बार सेब की ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके तहत सभी सेब उत्पादक क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा खाली पेटियां उपलब्ध कराने के ऊपर ध्यान दी गई है। इस बार बेहतर क्वालिटी की 20 किलो की 3.5 लाख पेटियां देने का लक्ष्य है। यही नहीं, इसके अलावा सीएसटो का भी निर्माण किया जा रहा है। बहुत दिनों के बाद हम सब एप्पल के फार्म घूमे और मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन भी किए। यहाँ से हम अच्छे अच्छे यादें लेकर जा रहे हैं। और नैनीताल ट्रैवल सीरीज का ये आखिरी वीडियो था। और नैनीताल ट्रैवल सीरीज से जुड़ी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लेना। अगले ट्रैवल सीरीज में हम द्वारका चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद। Thank you.